दूसरे तरफ से हाँ है दुल्हन को। हे गाइस, हेलो, नमस्ते, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पीछे देख ही सकते हो मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, सिक्स्थ गियर टाटीवन में, वही टेस्ट राइडिंग के लिए। विवेक भाई देख रहे हैं बाइक, हिमालयन की टेस्ट राइड कर रहे हैं अभी। हमारा थोड़ा प्लान है फ्यूचर में, कभी राइड करेंगे तो एक टूरिंग बाइक होनी चाहिए करके। सबसे अच्छी टूरिंग बाइक तो यही है हिमालयन। थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट मैनेज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो तो 19-20 रहता है कोई भी गाड़ी में, है ना, उतना तो पता चल जाता है। देखना है ना, पता चलेगा। तो भाई चले गए हैं टेस्ट राइड करने के लिए। अभी मैं अपना गाड़ी शोरूम में देखे आया था, अपना गाड़ी डोमिनार, जो वाइब्रेशन आ रहा था वो कुछ इशू फिक्स करना था, तो इस वजह से मैं शोरूम में छोड़ के आया था। आ गया सर्विस सेंटर, पार्ट्स पहले पूछा जाए फिर उसको दिया जाए लगवाने के लिए। पहले पूछ लेता हूँ, फ्री किट बोल रहे थे वाइब्रेशन वाला, डोमिनार में जो इशू आ रहा है ना। तो मेरी गाड़ी में पिछले ब्लॉग में देखे होंगे एक इशू आ रहा था वाइब्रेशंस का। ये साउंड किस चीज़ का आ रहा है, वाइब्रेशन का आ रहा है क्या? थोड़ी वाइब्रेशन तो आ रही, नेटवर्क ढीली हो गई है लग रहा है इतनी लंबी राइड करने के बाद। वाइब्रेशन तो बहुत पहले से आ रहा है, तो वाइब्रेशन को इशू को रेक्टिफाई करने के लिए एक बजाज वालों ने क्या किया है कि एक किट निकाला है डोमिनार के लिए, वाइब्रेशन किट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है शोरूम में, कोई भी बजाज के शोरूम में जहाँ पे डोमिनार मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं उसको लगवाने गया था अभी। अभी तो गाड़ी छोड़ना पड़ा क्योंकि फिट विट करने में टाइम लगता है। तो अभी हम लोग सोचे कि थोड़ा भाई को भी गाड़ी वाड़ी देखना था, और डोमिनार 2019 जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, और अभी होने वाला शायद जनवरी में हो जाएगा, जनवरी तक, लेकिन यहाँ आने में लगभग उसको अप्रैल मार्च लग जाएगा। तो इस वजह से क्या है कि अभी तो उसको ख़रीद नहीं पाएंगे। तो भाई अभी बोले कि मैं हिमालयन को देख लेता हूँ यहाँ पे, तो हिमालयन को देखने आया था यहाँ पे। डेली भी चलना है उनको, अभी एडवेंचर भी करना है, राइड भी करना है, टूरिंग भी करना है, ऑफ रोड भी करना है, तो इस वजह से वो देख रहे हैं गाड़ी। कैसा लगा? कंफर्टेबल है एकदम, यही बनेगा अपना आने वाला सवारी, मतलब ये फाइनल है। राइट, चलो बढ़िया, अच्छा है चलाने में। स्पीड कैसे यूज़ किया, कितना गया? 100 चला गया, थोड़ी से टाइम लगा होगा जाने में उधर, बाकी ठीक है ना? सही है, मैं चलाता हूँ दूसरी बार, पहली बार बनाया था तो टेस्ट राइड का वीडियो नहीं बनाया था। तो मैं अभी टेस्ट राइड करके आ रहा हूँ बाइक, तो बताता हूँ फिर कैसा लगा मुझे ये बाइक, फिर रिकमेंडेड करूँगा विवेक भाई को, ठीक है। एक नंबर मजा आ गया, एक नंबर साफ उदाहरण हो गया, साफ उदाहरण। ले लो भाई, थोड़ी सी मतलब जैसे स्पीड बढ़ाते हैं ना, वो पावर नहीं मिलता जैसे डोमिनार में मिलता है, तो स्पीड बढ़ने में टाइम लगता है, बाकी अच्छा है। एक्चुअली ये ऑफ रोड वाली बाइक है ना, तो आपका लो स्पीड में ज़्यादा मिलती है इसमें, बाकी फुल कंफर्टेबल, मतलब इसमें मैं 300 किलोमीटर कंटिन्यू चला लूँ ऐसा है, और सेडलिंग तो और बहुत ईजी इसमें, कैसे भी खड़े हो जाओ। विंडो स्टैंड भी दिया है, लेकिन आप साइड स्टैंड पे ही गाड़ी पे चढ़े, टूरिंग के लिए और ऑफ रोड के लिए मस्त गाड़ी, डेली भी चल सकते हो अगर मेंटेन कर सकते हो। बाकी गाड़ी का मेंटेनेंस खुद के ऊपर ही रहता है भाई, कोई भी गाड़ी लो, है ना, मेरे तरफ से हाँ है दुल्हन को। मेरी तरफ से अब यहाँ
यहाँ से हम लोग चलते हैं, टेस्ट राइड कर लिए हैं भाई, फाइनल डिसीजन घर वाले से पूछ के लेंगे। तो मेरे को तो बहुत पसंद आया, आप लोग को कैसे लग रहा है बताइए कमेंट डाउन बिलो कि लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखो यार, छत्तीसगढ़ में रोड भी थोड़े से ऑफ रोड ज़्यादा हैं और हम लोग आसपास भी टूरिंग करते हैं छोटे छोटे जगह में, तो वहाँ पे हम लोग को खेत वेत वाले रोड में जाना पड़ता है कई बार तो सिंगल लेन रोड में जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गड्ढे रहते हैं, बस वाले रोड में जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला ठीक है बाइक, उसमें ऑफ रोड टायर भी लगे हुए हैं और स्पोक व्हील है, एवरीथिंग इज फाइन ऑन दैट बाइक। चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जो कि बेस्ट पार्ट था। तो ठीक है, चलते हैं अपन घर, मैं अपनी गाड़ी डोमिनार को शाम को लेने जाऊंगा। बिल्कुल फैसला लो जल्दी, मेरी तरफ से दुल्हन हाँ है। ओके 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 ही है, आगे आगे देखो। देख लिए क्या था वहाँ पे शुरू में, भाई को बहुत पसंद आया हिमालयन और मैंने भी अपना सजेशन दे दिया, उसको बता दिया है कि ये एस्पेक्ट से आप गाड़ी को चूज़ करना भाई तुम ऐसा करके। तो मेरे तरफ से तो हाँ है, वैसे ले लेना चाहिए, बट उनको जैसे डोमिनार 2019 अभी लॉन्च होने वाली है तो उसका थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अगर आप लोग भी डोमिनार ओनर हो तो जाके अपने गाड़ी में वाइब्रेशन किट लगवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, सर्विस सेंटर वाले नहीं रखते हैं, फ्री में नहीं देते हैं। तो कंप्लेंट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो अगेंस्ट सर्विस सेंटर। सो गाइज, मैं अभी वंदना बजाज में हूँ, सर्विस हो गया है गाड़ी का और जो वाइब्रेशंस का इशू था वो फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे सब फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पे एक नट बोल्ट भी लगाना था यहाँ पे, तो भी लग गया है। तो गाड़ी अभी अच्छी हो गई है, गेट पास दिखाना पड़ेगा फिर निकलूँगा। तो काफ़ी अच्छी सर्विस थी यहाँ इस बार, अच्छा सर्विस हो गया। हैंडल भी थोड़ा ऊंचा करवाया हूँ, ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था और राज के साथ, बाकी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, पहले जैसे आता था वैसे नहीं है, अभी ठीक है। हैंडल का पोजीशन भी अब सही है, पहले थोड़ा ज़्यादा झुक के चलाना पड़ता था। तो आप लोगों को भी अपने डोमिनार में अगर वाइब्रेशन के इशू ख़त्म करना है तो आप लोग भी यहाँ आ जाइए बजाज सर्विस सेंटर में, यहाँ आप लोगों को फ्री में ये सब फिक्स करके दे देंगे। फ्री किट आता है उसका, वाइब्रेशन किट बोलते हैं डोमिनार के लिए, तो वो फ्री में करके दे देंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा आप कुछ पार्ट्स लगवाते हैं तभी चार्जेस लगेगा। तो आप लोग भी आइए अपने डोमिनार में, जो वाइब्रेशन इशू है उसको फिक्स करा लीजिए, अभी डोमिनार में उतना साउंड नहीं आ रहा है, अब अच्छा हो गया। सो गाइज, मैंने अभी जो स्ट्रीट मार्केट रहता है वहाँ से देखो परचेज कर लिया एक शू, कितने का नहीं बताऊँगा लेकिन बहुत सस्ता था, क्वालिटी अच्छी है और मेरी शूज़ फट गई है एकदम देखो वहाँ से, तो इसलिए लेना पड़ा। कैजुअल शू है ये वाला, डब्बा है कॉल आ रहा किसी का।